नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अम्बाला शहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आसिम गोयल किस प्रकार से अम्बाला के SP मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विशेष कमेटी में मीटिंग की बायकॉट करने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां उपस्थित मंत्री कृष्ण पवार ने उन्हें मना कर दोबारा बैठाया। इस वीडियो में आप स्वयं देख सकते हैं कि हरियाणा के उच्च अधिकारी, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो किस प्रकार और किस ढंग से भाजपा के न केवल कार्यकर्ता बल्कि विधायकों और मंत्रियों को भी अनदेखा कर रहे हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। कौन से ऐसे कर्मचारी जैसे सारे विधायक और जुम्मेदार सारे लोग रहते हैं, एक व्यक्ति एक राय हो सकते सबकी और बाद में तो सभी लोगों ने बताया पुलिस से जा चुकी है, इसलिए तुरंत कोर्ट में सस्पेंड कर तो इंक्वायरी में पूछने कौन से लोग हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी करें और दूसरों थाने में आप इंक्वायरी कराएं, सब डिपार्टमेंट में उनकी अवसर करें। ये भी मेरा एक और निवेदन है, वहाँ पे इस दिन जीरो टॉलरेंस डे जो सर हरियाणा मिशन जीरो सरकार का एक कार्यक्रम है, उसके तहत सर 50 से अधिक नाके लगाए गए थे सर, और जितना हमने अपने कार्यकर्ताओं को मंत्री जी उस दिन के लिए कहा, हमने किसी पुलिस वाले को फोन नहीं किया उस दिन, 45 नाके लगे हुए थे, हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा तुम्हारी गलती है चालान कटा लो, हमने किसी को फोन नहीं किया, लेकिन बाउंड भी हुए, हमारे तो कार्यकर्ता ने फेसबुक पे भी डाल दिया कि मेरे को सरकार के अंदर रहने का ये फल मिला कि इंपाउंड हुआ, हमने फिर भी इसकी बात को अनसुनी किया, हमने कहा भी नहीं कानून सबके लिए, लेकिन आप कैसे आप किसी को क्रिमिनल बनाएंगे इसके साथ, हाथ देखो ये मीडिया के सामने दिखा दिया, हमने दिखा क्या हालात कर रखे हैं पुलिस ने, ये बिहार थोड़ी बनने देंगे जी, हाँ पीछे भी लगे हुए हैं, मतलब थोड़ी ये देखो आप चलो जी सारे फैसला सुना चुका है, कर्मचारी सस्पेंड है, बिल्कुल होंगे, बस बात करो ये बंद हो सकता है, अगर ये सस्पेंड नहीं हुए कल हम धरना देंगे सारे कार्यकर्ताओं से, SP ऑफिस में धरना देंगे, छूट दिया जाता है, ये 5 महीने से चल रहा है और इसके अंदर बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं,
कार्यालय है तो कौन से ऐसे कर्मचारी अधिकारी थाने के अंदर काम होता है, थाने है या अर्बन है, उसमें आप इस टाइप की टीम बनाकर काम आपका चालू करें। सेकंडली, जैसे सारे विधायक और जिम्मेदार सारे लोग रहते हैं, एक व्यक्ति के राय हो सकते सब की, और बाद में सभी लोगों ने बताया है पुलिस से जा चुकी है, इसलिए तुरंत पुलिस को भी सस्पेंड कर तो इंक्वायरी में पूछने कौन से लोग हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी करें और दूसरों थाने में आप इंक्वायरी कराए, सब डिपार्टमेंट में भी अवसर करें। ये भी मेरा एक और निवेदन है, वहां पे इस दिन जीरो टॉलरेंस डे जो सर हरियाणा मिशन जीरो सरकार का कार्यक्रम है, उसके तहत सर 50 से अधिक नाके लगाए गए थे सर, और तो जितना कार्यकर्ताओं को मंत्री जी उस दिन के लिए कहा, हमने किसी पुलिस वाले को फोन नहीं किया, उस दिन 45 नाके लगे हुए थे, हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा तुम्हारी गलतियां चलान कटा लो, हमने किसी को फोन नहीं किया, लेकिन बाउंड भी हो, हमारे तो कार्यकर्ता ने फेसबुक पे भी डाल दिया कि मेरे को सरकार के अंदर रहने का ये फल मिला कि इंपाउंड हुआ, हमने फिर भी इसकी बात को अनसुनी किया, हमने कहा भी नहीं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आप कैसे आप किसी को क्रिमिनल बनाएंगे इसके साथ, हाथ देखो ये मीडिया के सामने दिखा भी हमने दिखा क्या हालात कर रखे हैं पुलिस ने, ये बिहार थोड़ी बनने देंगे जी, हाँ पीछे भी लगे हुए हैं, ये कोई मतलब थोड़ी, ये देखो ये देखो जो ये कह रहे हैं कि अगर थाने के गए भी होंगे तो हम दो घंटे के अंदर, ये बचाव काम कर रहे हैं, ये बचाव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी मेरी फसल है, आप चलो जी सारे हमारे पास चलो, मेरे पास अधिकारी नहीं देखे फैसला सुना चुका है, कर्मचारी सस्पेंड है, बिल्कुल होंगे, बस बात करो ये बंद हो सारा, अगर ये सस्पेंड नहीं हुए कल हम धरना देंगे, सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है एसपी ऑफिस में धरना देंगे, अगर हमारी सरकार निरंकुश एसपी को रहने नहीं देंगे, नकली चलानों का ड्रामा और रोज बिना मतलब से पैसे लेके छूट दिया जाता है, ये 5 महीने से चल रहा है और इसके अंदर बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं, आप ये खुफिया तौर पर जानकारी है कि कौन से ऐसे कर्मचारी अधिकारी थाने के अंदर काम होता है, थाने है या अर्बन है, उसमें आप इस टाइप की टीम बनाकर काम आपका चालू करें। सेकंडली, जैसे सारे विधायक और जिम्मेदार सारे लोग रहते हैं, एक व्यक्ति के राय हो सकते सब की, और बाद में सभी लोगों ने बताया है पुलिस से जा चुकी है, इसलिए तुरंत पुलिस को भी सस्पेंड कर तो इंक्वायरी में पूछने कौन से लोग हैं, उनके खिलाफ आप इंक्वायरी करें और दूसरों थाने में आप इंक्वायरी कराए, सब डिपार्टमेंट में भी अवसर करें।
इसमें ये भी मेरा एक और निवेदन है, वहाँ पे इस दिन जीरो टॉलरेंस डे जो सर हरियाणा मिशन जीरो सरकार का कार्यक्रम है, उसके तहत सर 50 से अधिक नाके लगाए गए थे सर, और जितना हमने अपने कार्यकर्ताओं को मंत्री जी उस दिन के लिए कहा, हमने किसी पुलिस वाले को फोन नहीं किया, उस दिन 45 नाके लगे हुए थे, हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा तुम्हारी गलतियां चलान कटा लो, हमने किसी को फोन नहीं किया, लेकिन बाउंड भी हुए हमारे तो कार्यकर्ता ने फेसबुक पे भी डाल दिया कि मेरे को सरकार के अंदर रहने का ये फल मिला कि इंपाउंड हुआ, हमने फिर भी इसकी बात को अनसुनी किया, हमने कहा भी नहीं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आप कैसे आप किसी को क्रिमिनल बनाएंगे इसके साथ, हाथ देखो ये मीडिया के सामने दिखा भी हमने दिखा क्या हालात कर रखे हैं पुलिस ने, ये बिहार थोड़ी बनने देंगे जी, हाँ पीछे भी लगे हुए ये कोई मतलब थोड़ी, ये देखो ये देखो जो ये कह रहे हैं कि अगर थाने के बड़े भी होंगे तो हम दो घंटे के अंदर एसपी साहब ये बचाव काम कर रहे हैं, ये बचाव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी मिली भगत है छोटा, आप चलो जी सारे हमारे पास चलो, मेरे पास अधिकारी नहीं देखे फैसला सुना चुका है, कर्मचारी सस्पेंड है, बिल्कुल होंगे, बस बात करो ये बंद हो सर, अगर ये सस्पेंड नहीं हुए कल हम धरना देंगे सारे कार्यकर्ताओं से, एसपी ऑफिस में धरना देंगे, पांच महीने से चल रहा है और इसके अंदर बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं। आप ये सस्पेंड